जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने देश के 30 सीआरपी जवान को शहीद कर दिया है। इसको लेकर के पूरे देश में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है और लोग पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया के आरम सचो के समीप आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का पुतला दहन किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है और वहीं से आतंकवादी आते हैं और भारत पर हमला करते हैं, और उसी हमला में 30 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 44 घायल हुआ है। और जम्मू कश्मीर में अभी पूरी तरह से जो माहौल है वो तनाव का है, पूरे देश में आक्रोश फैल गया है, लोग काफी आक्रोशित हैं। और उसी का नजारा है कि पूर्णिया में देख रहे हैं रात्रि के वक्त यानी कि लगभग 8 बजे ये जवान, ये जितने युवक हैं सारे लोग एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत माता की जय, देश के जवान की जय हो रहा है। और खास तौर से पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है हम वो भी जानेंगे, पहले ये लोग नारेबाजी करने में लगे हुए हैं। और मैं बता दूं पूर्णिया के आरन सचो के साथ साथ देश के ऐसे कई इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में युवक देशवासी प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ही वो मूल जड़ है जहां से आतंकवादी पैदा होता है, और जब तक पाकिस्तान अपनी दोहरी नीति खत्म नहीं करता है, आतंकवादियों को समाप्त नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग इन लोगों का है। और खास तौर से हम आपको मुखातिब कराना चाहेंगे, कुछ जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं जी, क्या कहेंगे जी? हम कहेंगे कि युद्ध, युद्ध का घोषणा करें सरकार। जी हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ युद्ध का घोषणा करें, एक टाइम खाना खाएंगे पूरे भारतीय, 132 करोड़ भारतीयों का एक होने का समय है, कोई सियासत नहीं, 132 करोड़ भारतीय एक हो जाए कोई सियासत नहीं। वो आतंकवादी संगठन भी टीवी देख रहे हैं, पूरे भारत को एक साथ विरोध करना होगा। जिस दिन संसद पे हमला होता उसी दिन मजा चखाना था, हम लोग विलंब है, अब नहीं सहा जाएगा, बदला लेना है तो लेना है, घुस के बदला लेना है, अब रन होगा, बिल्कुल अब रन होगा, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, एकदम रन होना चाहिए, एकदम रन होना चाहिए, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं ये युवा, हम कहते हैं युद्ध का घोषणा हो, गोली का बदला गोली, मौत का बदला मौत, हवस में नहीं आएगा तो सबक सिखाना होगा। अब देश कितना बर्दाश्त करेगा, अब बर्दाश्त कर रहा ही नहीं है, अब कोई स्ट्राइक नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधे मोदी जी से क्या डिमांड है इस वक्त आप? हमें और कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने जवानों के शहीद का बदला चाहिए, जिस भी कीमत पे हो, भले हम हिंदुस्तानियों को कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी अलगाववादी नेता है, जो अलगाववादी नेता जितने भी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं उन्हें जेल में डालना चाहिए, और ऐसे महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो कि पाकिस्तान को, और जो युवा है जो कश्मीर के जो आतंकवादी हमला करते हैं उसको भटके हुए युवा बताते हैं, उसको जो है कि उसमें कार्रवाई करना चाहिए और उसको देश विरोधी ऐसा कानून लाके उसको जेल में डालना चाहिए। ये काफी आक्रोश है, काफी जी हम लोग जो है भारत देश के जो है मतलब की सैनिकों के साथ जो कि सला दुर्व्यवहार किया गया है, हम लोग उसका बस जो है सो सला जवाब चाहते हैं, हमारी सरकार जो है सला राजनीति बंद करे और इस पाकिस्तान को सला हरामियों को जो है मतलब कि उसका सला सबक सिखाए। डिमांड करते हैं, डिमांड है कि हमको खून का बदला, खून लेंगे कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, सहन शक्ति की भी एक सीमा है, हम लोग अब तक नरमियत दिखाते आए, सहन शक्ति दिखाते आए, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, अब खून का बदला खून से होगा।
अब हमें बदला चाहिए, हमें अपने शहीदों का बदला चाहिए, इसके लिए हम अपने प्राण निछावर करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये देख रहे हैं लोगों में आक्रोश किस तरह का है। इन लोगों का साफ कहना है कि देश को अब युद्ध चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और वह वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध की घोषणा इंडिया को कर देना चाहिए। पब्लिक इतना आक्रोशित है, 30 जवान शहीद हुए हैं और उन जवानों का बदला ये लोग खून का बदला खून से लेने की बात कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री से खास तौर से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो ये वक्त मौका आ गया है और अब युद्ध की घोषणा हो जानी चाहिए। कहा कि 30 जवान शहीद हुआ है, उसका बदला लेना है तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, और जब तक हम समझौता करते रहेंगे ये पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। इसीलिए ये गोली की बात करता है, इसीलिए उसको गोली से ही जवाब मिलना चाहिए। दोषी आरोप के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।